आगे बढ़ते हैं। देहरादून विधानसभा परिसर में सड़कों की स्थिति खस्ताहाल है। विधानसभा के अंदर बनी आंतरिक सड़कों की गुणवत्ता बहुत खराब है। हाल ही में बनी परिसर के अंदर की सड़कें अब टूटने लगी हैं और इस पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कार्यदायी संस्था के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। सड़कों की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया गया वो सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो है उखड़ रही है पूरी सड़क और इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा और इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदन में नहीं उठाई ये जो मैंने देखा, तो इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई काम अगर खराब होगा तो उसके जांच आदेश दिए जाएंगे। और आज रुद्रपुर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। सामूहिक विवाह समारोह में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान पहुंचेंगे और सामूहिक विवाह में 24 जोड़ों का विवाह आज होना है। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, राजेंद्र रुद्रपुर का उनका दौरा है, वहां पर जाकर के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त है। ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान में वो पहुंचेंगे और सामूहिक विवाह में 24 जो जोड़े होंगे जिनकी शादी होनी है उनको आशीर्वाद देते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज दिखाई देंगे। लगातार चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी, अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए अलग अलग हिस्सों में पहुंच करके तमाम कार्यक्रम भी हैं पुष्कर सिंह धामी के। ये आज वो रुद्रपुर पहुंचेंगे, नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ लोगों को भी वहां पर वो संबोधित कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे सीएम को सुनने के लिए, उनको भी संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई देंगे। आइए आपको इस बारे में और ज्यादा रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और उसके लिए हम रुद्रपुर चलेंगे। विकास हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जो आज ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होना है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं, इसमें क्या विशेष रहने वाला है ये भी हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए। जी राजेंद्र, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे में जनसभाएं जो है वो मुख्यमंत्री की बढ़ जा रही हैं। खासकर उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का जो ये ट्रांजिट कैंप क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो बंगाली जो वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा इसमें रहते हैं। तो ऐसे में बंगाली वोटर्स को लुभाने का भी मुख्यमंत्री ये काम कर सकते हैं और जो ये वैवाहिक समारोह है इसके बाद में मुख्यमंत्री जनता को भी संबोधित करेंगे क्योंकि जो वैवाहिक जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको आशीर्वाद देंगे। उसके साथ ही यहाँ छोटी सी जनसभा रखी गई है, उसमें उसको जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जो बंगाली समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे वार्ता करेंगे क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें उससे जो पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाने की जो बात सामने आई थी उसके बाद में अब बंगाली वोटरों के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में काफी जो ये बड़ी जनसंख्या मानी बड़ी जनसभा मानी जा रही है क्योंकि यहाँ काफी जनसभा में जो लोग पहुंचेंगे काफी जनसंख्या ये ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बंगाली वोटरों की है। जी जी ठीक है। तो ऐसे में ये जनसभा जो मुख्यमंत्री की है ये काफी अहम मानी जा रही है। बंगाली वोटरों के बीच पहली बार रुद्रपुर में आएंगे और जो रुद्रपुर का ये ट्रांजिट कैंप क्षेत्र है अपने आप में काफी बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है विकास, आपने कहा कि बंगाली वोटर्स वहां पे बड़ी तादाद में है।